हैलोवीन डरावने कॉस्ट्यूम्स, टिमटिमाते जैक ओ लालटेन और भूतों और गॉब्लिन्स की कहानियों का समय। हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एक ऐसी रात है जहां जीवित और मृत लोगों के बीच के पर्दे को सबसे पतला कहा जाता है। लेकिन यह परंपरा कहां से आई और हम इसे क्यों मनाते हैं? हैलोवीन अपने आधुनिक उत्सवों के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से प्राचीन जड़ें हैं, जो सदियों पहले सेल्टिक त्योहार समहिन तक फैली हुई है। हैलोवीन की उत्पत्ति का पता 2000 साल पहले प्राचीन सेल्ट्स से लगाया जा सकता है, जो अब आयरलैंड, ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस में रहते थे। सेल्ट्स के लिए पहली नवंबर उनके नए साल की शुरुआत का प्रतीक था और यह गर्मियों के अंत और फसल के मौसम से जुड़ा था। एक रात पहले 31 अक्टूबर को समहिन के नाम से जाना जाता था, जिसका उच्चारण एसोविन था। सेल्ट्स का मानना था कि इस रात जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। इसका मतलब था कि आत्माएं अच्छी और बुरी दोनों आसानी से पार कर सकती थीं। समहिन सेल्ट्स के लिए उत्सव और भय दोनों का समय था। यह वह समय था जब वे अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे और आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए तैयार होते थे। उन्होंने फसल के अंत का जश्न मनाया और मृतकों का सम्मान किया। यह एक ऐसा समय था जब वे अपने प्रियजनों की आत्माओं को याद करते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे। विशाल अलाव जलाए जाते थे और लोग बलिदान चढ़ाने, कहानियां सुनाने और भविष्य जानने के लिए इकट्ठा होते थे। इन अलावों के चारों ओर लोग अपने अनुभव साझा करते थे और अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते थे। बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए अक्सर जानवरों की खाल और सिर से बने परिधान पहने जाते थे। ये परिधान उन्हें न केवल सुरक्षा प्रदान करते थे, बल्कि उन्हें अपने पूर्वजों के साथ एक गहरा संबंध भी महसूस कराते थे। ऐसा माना जाता था कि अन्य दुनिया के प्राणियों की उपस्थिति उनके साथ संवाद करने और शायद भविष्य को प्रभावित करने का अवसर भी लेकर आई थी। लोग आत्माओं से मार्गदर्शन मांगते थे और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उनकी सलाह लेते थे। जैसे अटकल की रस्में आम थीं, लोग प्यार, स्वास्थ्य और भाग्य के बारे में जवाब मांगते थे। वे विभिन्न प्रकार की अटकल विधियों का उपयोग करते थे, जैसे कि टारोट कार्ड, रून पत्थर और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुएं, ताकि वे अपने भविष्य के बारे में जान सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जैसे जैसे ईसाई धर्म पूरे यूरोप में फैलता गया, इसने धीरे धीरे समहिन जैसी मूर्ति पूजक परंपराओं को आत्मसात कर लिया और उन्हें प्रभावित किया। 8वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी चतुर्थ ने 1 नवंबर को सभी संतों का दिन नामित किया, जो सभी ईसाई संतों का सम्मान करने का दिन था। इस दिन को ओनल हैलोजडे के रूप में भी जाना जाता था और एक शाम पहले 31 अक्टूबर को ओनल हैलोज ईव के रूप में जाना जाने लगा, जो अंततः हैलोवीन में विकसित हुआ। समय के साथ हैलोवीन ने समहिन की कुछ परंपराओं को शामिल कर लिया, जैसे कि वेशभूषा पहनना और बोनफायर्स जलाना। खंड 5 अटलांटिक के पार। हैलोवीन को यूरोपीय प्रवासियों द्वारा अमेरिका लाया गया था, खासकर आयरिश, जो 19वीं शताब्दी के दौरान बड़ी संख्या में आए थे। अपनी नई मातृभूमि में उन्होंने अपनी परंपराओं को मनाना जारी रखा और हैलोवीन ने धीरे धीरे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता हासिल की। जैसे जैसे हैलोवीन फैलता गया, यह एक अधिक धर्मनिरपेक्ष अवकाश के रूप में विकसित हुआ, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों पर कम जोर दिया गया और मौज मस्ती, वेशभूषा और सामुदायिक समारोहों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि डरावने और अलौकिक तत्व बने रहे और हमारे आधुनिक समय के समारोहों को आकार देते रहे। खंड 6 चाल या दावत। सबसे प्रिय हैलोवीन परंपराओं में से एक, खासकर बच्चों के लिए, ट्रिक या ट्रीटिंग है। माना जाता है कि यह रिवाज मध्ययुगीन यूरोपीय प्रथा से उत्पन्न हुआ है, जिसे सोलिंग कहा जाता है। इसमें बच्चे वेशभूषा पहनते हैं और घर घर जाकर कैंडी और मिठाई जैसे दावतों के लिए कहते हैं। वाक्यांश ट्रिक या ट्रीट अपने आप में अपेक्षाकृत हाल ही में है, जो 1920 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई दिया। इसका तात्पर्य शरारत के एक चंचल खतरे से है, यदि दावत नहीं दी जाती है, हालांकि इसे शायद ही कभी गंभीरता से लिया जाता है। खंड 7 वेशभूषा और नक्काशी। हैलोवीन वेशभूषा समय के साथ
महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। पहले लोग बुरी आत्माओं को डराने के लिए जानवरों की खाल और सिर पहनते थे, लेकिन अब वेशभूषा का रूप और उद्देश्य दोनों बदल गए हैं। जबकि शुरू में बुरी आत्माओं को दूर भगाने का इरादा था, अब वे डरावने प्राणियों से लेकर लोकप्रिय पात्रों और यहाँ तक कि राजनीतिक हस्तियों तक कई तरह के विषयों को शामिल करते हैं। बच्चों से लेकर वयस्कों तक हर कोई अपनी पसंदीदा वेशभूषा पहनकर इस त्योहार का आनंद लेता है। एक और प्रतिष्ठित हेलोवीन परंपरा कद्दू की नक्काशी है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे बहुत ही रचनात्मकता और धैर्य की आवश्यकता होती है। मूल रूप से कंजूस जैक के आयरिश मिथक से प्रेरित होकर, जिसे अपने रास्ते को रोशन करने के लिए केवल एक खोखले आउट शलजम के साथ पृथ्वी पर घूमने की निंदा की गई थी, कद्दू की नक्काशी हेलोवीन की सजावट का एक अभिन्न अंग बन गई है। आज लोग विभिन्न डिजाइनों और पैटर्न के साथ कद्दू को नक्काशी करते हैं, जिससे यह एक कला का रूप बन गया है। कुछ लोग तो प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं, जहां सबसे रचनात्मक और जटिल डिजाइन को पुरस्कृत किया जाता है। कद्दू की नक्काशी न केवल एक व्यक्तिगत गतिविधि है, बल्कि यह परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का एक शानदार तरीका भी है। लोग एक साथ मिलकर कद्दू को नक्काशी करते हैं, कहानियां साझा करते हैं और इस प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हर साल इसे नए उत्साह के साथ मनाया जाता है। हेलोवीन की रात जब घरों को सजाया जाता है और बच्चे ट्रिक और ट्रीट के लिए निकलते हैं, तब ये वेशभूषा और नक्काशी इस त्योहार को और भी खास बना देती है। यह एक ऐसा समय है जब हर कोई अपने रचनात्मक पक्ष को दिखा सकता है और एक साथ मिलकर इस अद्भुत त्योहार का जश्न मना सकता है। खंड 8, प्रेतवाधित घटनाएं। हेलोवीन अक्सर प्रेतवाधित घरों, भूतों की कहानियों और अन्य डरावनी गतिविधियों से जुड़ा होता है। यह इसकी प्राचीन जड़ों का प्रतिबिंब है, जब जीवित और मृत लोगों के बीच की सीमा को धुंधला माना जाता था। लोग भूतों, चुड़ैलों और अन्य अलौकिक प्राणियों के किस्से सुनाते थे, अक्सर अज्ञात को समझाने के तरीके के रूप में या नैतिकता और आत्मा की दुनिया के खतरों के बारे में सबक सिखाने के लिए। खंड 9, आधुनिक सुपरस्टिशंस। जबकि हेलोवीन आज बड़े पैमाने पर एक धर्मनिरपेक्ष अवकाश के रूप में मनाया जाता है, फिर भी कई अंधविश्वास इससे जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, काली बिल्लियों को अक्सर अशुभ माना जाता है और सीढ़ी के नीचे चलना दुर्भाग्य माना जाता है, खासकर हेलोवीन की रात को। ये अंधविश्वास अक्सर जादू टोना और अलौकिक के बारे में प्राचीन मान्यताओं के अवशेष होते हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और हेलोवीन परंपराओं के ताने बाने में बुने गए हैं। खंड 10, मौज मस्ती और डर का समय। हेलोवीन प्राचीन परंपराओं और आधुनिक उत्सवों के अपने अनूठे मिश्रण के साथ हमारी कल्पनाओं को मोहित करना जारी रखता है। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने भीतर के बच्चे को बाहर लाते हैं और उन कहानियों में खो जाते हैं जो हमें बचपन से डराती और रोमांचित करती रही हैं। यह मौज मस्ती, डर और थोड़ी शरारत का समय है। यह वह समय है जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर डरावनी सजावट करते हैं, डरावनी फिल्में देखते हैं और उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो हमें हंसने और चिल्लाने पर मजबूर कर देती है। चाहे हम वेशभूषा पहन रहे हों, कद्दू उकेर रहे हों या भूतों की कहानियां सुना रहे हों, हेलोवीन हमें अज्ञात को अपनाने, अपने डर का पता लगाने और कहानी कहने की स्थायी शक्ति का जश्न मनाने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते हैं और उन पात्रों में बदल जाते हैं जिन्हें हम हमेशा से पसंद करते आए हैं। जैसे जैसे रातें लंबी होती जाती हैं और हवा कुरकुरी होती जाती है, हेलोवीन हमें जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति और उस पतले पर्दे की याद दिलाता है जो उस दुनिया को अलग करता है, जिसे हम उन रहस्यों से जानते हैं जो परे हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उन कहानियों में खो जाते हैं जो हमें अज्ञात की ओर खींचती है। हेलोवीन हमें यह सिखाता है कि डर और मजा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यह कि जीवन का असली मजा उन चीजों में है जो हमें सबसे ज्यादा